गीता में प्रत्येक अध्याय के साथ एक शब्द जुड़ा है, योग। जैसे पहला अध्याय है तो विषाद का अध्याय शुरू हुआ। विषाद मतलब निराशा से, जिसकी शुरुआत हुई अर्जुन के मन में जो विषाद था, जो निराशा थी, इतना बड़ा डिप्रेशन, कुछ भी करना नहीं चाहता, उस निराशा को, इसको अवसाद कह लीजिए आप, उस अवसाद को उत्साह में, आनंद में बदलने का जो कार्य भगवान श्री कृष्ण ने किया, तो विषाद के साथ भी एक शब्द जुड़ गया, योग। ऐसे ही और बहुत सारे योग हैं, ज्ञान योग, सांख्य योग, कर्म योग, राज योग, भक्ति योग, संन्यास योग, ये सब योग। योग क्या है तो इसे समझना हो, उससे पहले एक और शब्द समझिए, वियोग। वियोग का मतलब हुआ किसी चीज से बिछड़ जाना, और योग का मतलब हुआ जुड़ जाना। किससे जुड़ जाना? जिससे हमारा वियोग हो गया, जिससे हम बिछड़ गए हैं, उससे मिल जाने का नाम हुआ योग। तो इसको और दूसरे ढंग से समझिए कि सबको एक ही योग करना चाहिए, एक ही जगह जुड़ना चाहिए, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, किसको पाना चाहते हैं, सबकी डिमांड क्या है, सब प्राणी मात्र की डिमांड क्या है, किसको आदमी पाना चाहता है, किसके लिए काम कर रहा है, किसके लिए हरकत कर रहा है, किसके लिए हम एक्टिव हैं, तो वो एक ही चीज है। दुख से बचना मतलब आनंदित होना, यही लक्ष्य है आदमी का। किसी भी सफलता के लिए हम रात दिन लगते हैं, लेकिन उस सफलता से हम क्या चाहते हैं? आनंदित होना। एक सफलता हम चाहते हैं, हम किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, किस लिए पद पर पहुंचना चाहते हैं? कि हम आनंदित हो सकें। हम धन कमाना चाहते हैं, 200-500 करोड़, किस लिए? मैं आनंदित होना चाहता हूं। हम बहुत अच्छा मकान बनाना चाहते हैं, किस लिए? उसे पाकर मैं आनंदित हो जाऊंगा। लोग रिश्ते बनाते हैं, शादी करते हैं, किस लिए? जीवन में आनंद आ जाए, जीवन आनंदित हो जाए। विद्यार्थी पढ़ रहा है, किस लिए? एक डिग्री मिले, फिर नौकरी मिले, नौकरी किस लिए मिले? कि उसकी जिंदगी में संतुष्टि हो और वो आनंदित हो जाए। तो क्या समझ में आया? हम सभी एक ही चीज को पाना चाहते हैं, जीवन में आनंद। जीवन में आनंद हम सबका लक्ष्य है, उससे जुड़ने का नाम है योग। आनंद के लिए जुड़ जाएं, आनंद से जुड़ जाएं, उसको कहा गया योग।